बिल गेट्स भारत के साथ ज्यादा ही आकर्षित है। उनके अनुसार गरीबों की समस्याओं को मिटाने के लिए दो ही उपाय हैं। पहला, गरीबों की समस्या की गहरी समझ, और दूसरी, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए टेक्निकल एबिलिटी। www.getsnots.com पर वे हमेशा आर्टिकल लिखते रहते हैं, तो उस पर उन्होंने भारत के बारे में लिखा था, जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो बिल गेट्स के शब्द हैं। मैंने साल 1980 के दशक से ही भारत की यात्रा करना शुरू कर दिया था, जो एक प्राचीन देश ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया था, क्योंकि उनका इतिहास इतना पुराना और मशहूर है जिसका आज भी पालन होता है। आज संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, यानी हमारे पास आश्चर्यजनक तकनीकी क्षमता है। हमारे पास दुनिया की बड़ी बड़ी विश्वविद्यालय और बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जहां शोधकर्ताएं नई दवाइयां, अलग अलग टीकाएं, नए नए बीज और अन्य नवाचारों पर काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास गरीबी की समस्याओं का अनुभव नहीं है। हम ना ही कभी गरीबों को देखते हैं और ना ही उनकी झोपड़ी के पास में से गुजरते हैं। दूसरी ओर ऐसे देश जहां गरीब लोग हर रोज इन चुनौतियों से निपटते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के पास गरीबी के साथ निपटने की एबिलिटी है, पर दुनिया के कई देशों के पास वो नहीं है। पर भारत एक अच्छी स्थिति में है, उसके पास इन चुनौतियों की समझ है और उन्हें हल करने की क्षमता भी है। भारत के शहरों में एजुकेटेड लोग हैं, जो इनके लिए अच्छी तरह से प्रयोगशालाओं में काम करते हैं। साथ ही साथ बहुत गरीब समुदाय वाले एरिया, जैसे उत्तर प्रदेश में मैं एक बार गया था, जहां पर इन दोनों समस्याओं और उनके समाधानों को समझा जा सकता है। यही वजह है कि मैं साल में कम से कम एक बार जाने का प्रयास करता हूँ। भारत में रोटा वायरस को ही ले लीजिए। रोटा वायरस डायरिया बीमारी से जुड़ा हुआ है। हर साल इस बीमारी से पूरी दुनिया में लगभग 4 लाख बच्चे मारे जाते हैं। इसमें 1 लाख से ज़्यादा बच्चे अकेले भारत के होते हैं। भारत सरकार रोटा वायरस के लिए एक नई टीका के लिए सहयोगियों के साथ काम कर रही है, जो पहले विकसित हो और भारत में विशेष रूप से निर्मित हो। अगर यह टीका मिल गया तो हजारों भारतीय बच्चों के जीवन को बचाया जा सकता है और साथ में दुनिया भर के बच्चों का भी। मेरी यात्रा में मैं इस टीका की प्रगति के बारे में सीखने जा रहा हूँ। भारत ने भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके अनुसार डायरिया बीमारी अधिकांश मौतों का कारण बनती है। यूनिसेफ, राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना और रोटरी इंटरनेशनल के सरकारी नेताओं और लोगों के साथ पोलियो के बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि भारत साल 2011 के बाद पोलियो मुक्त रहा है। और हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि 3 देश, नाइजीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जहाँ पर पोलियो अभी भी मौजूद है, वहाँ पर इसे कैसे खत्म किया जाए। बिल गेट्स का यहाँ भी कहना है कि मैं बॉलीवुड स्टार आमिर खान से मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ। मैं बाल पोषण के बारे में जानना चाहता हूँ। मैं उनके टीवी शो सत्यमेव जयते के बारे में जानना चाहता हूँ, जो भारत के सामने आने वाले कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डालता है। और अगर मैं भाग्यशाली हूँ तो आमिर खान मुझे कुछ डांस मूव दिखाएंगे। तो यह कहना था बिल गेट्स का, यानी कि हमारा भारत कोई मामूली देश नहीं है, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग भी हमारी ओर आकर्षित होते हैं, तो हम तो यहाँ पर रहते हैं। तो खुद को भाग्यशाली समझे और देश की प्रगति में हमेशा अपना हाथ आगे बढ़ाए। इन 2 वीडियो को भी जरूर देखें। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।